ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2 में आज का सवाल, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ए NH 31, बी NH 56, सी NH 22 या डी NH 44। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर कहलगांव NTPC के 4 यूनिट से बिजली का उत्पादन हुआ ठप। भागलपुर के कहलगांव NTPC के 4 यूनिट से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। फलस्वरूप 2340 मेगावाट के स्थान पर महज 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। दरअसल NTPC के एस डाइक एरिया में बने कमजोर तटबंध की वजह से लैगून नंबर 2 में पानी के दबाव के कारण बड़े भूभाग में धसान शुरू हो गया है, जिसकी वजह से NTPC की 4 यूनिट में बिजली का उत्पादन ठप हो गया है। NTPC प्रबंधन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में प्रीवेंटिव मेजर के रूप में 4 यूनिट को बंद कर दिया गया है। वहीं एस डाइक लैगून नंबर 2 को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जाने की बात कही है। भागलपुर में बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े मेडिकल स्टोर में हुई डकैती। भागलपुर के इसाचक थाना क्षेत्र के भीगनपुर स्थित पूजा मेडिकल हॉल में 3 हथियारबंद अपराधियों द्वारा बंदूक की नोक पर जमकर लूटपाट किया गया। वहीं डकैती का विरोध करने पर अपराधियों ने मेडिकल स्टोर के संचालक संजय अग्रवाल को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया। इसके साथ ही बदमाशों ने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दे दी। वहीं दूसरी ओर इसकी सूचना मिलते ही इसाचक थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायल संजय अग्रवाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इसके साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सज्जन कुमार अग्रवाल, एक लड़का पीछे इधर आ गया, एक लड़का यहां पर, एक लड़का एकदम गला पकड़ा गया, थोड़ा सा पीछे से मारा, सबसे छोटा लड़का था वही मारा। नवगछिया, खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी इस्माइलपुर बिंद टोली में। इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में लगभग 28 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण गंगा नदी का पानी दियारा में तेजी से फैल गया, जिस कारण दियारा में रहने वाले पशुपालक अपने अपने पशुओं के साथ सुरक्षित ठिकाने की ओर आने लगे हैं। जलस्तर में वृद्धि के साथ विभिन्न स्तरों पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है। खासकर स्पर संख्या 6 पर काफी तेज आवाज हो रहा है, जिस कारण तटवर्ती गांव के लोगों की धड़कनें अनहोनी की आशंका के कारण तेज हो गई है। नवगछिया में SDO ने बाढ़ को लेकर CO एवं जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। नवगछिया अनुमंडलीय कार्यालय सभागार में शुक्रवार को SDO मुकेश कुमार की अध्यक्षता में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्य एवं वर्तमान स्थिति को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी CO व पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में गंगा एवं कोसी नदी से बाढ़ से प्रभावित हुए इलाकों की समीक्षा के बाद उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडल के सभी 7 प्रखंड में 34 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में कुल 7200 परिवार प्रभावित हैं। अब तक 1900 परिवार के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया है। बाढ़ प्रभावित गांव में 47 नाव का परिचालन हो रहा है। समीक्षा के बाद SDO ने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित पंचायतों एवं गाँव का स्थल निरीक्षण कर स्वयं स्थिति का आकलन कर आवश्यकता के अनुसार सूखा राशन, पॉलिथीन सीट, नाव आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। नवगछिया में चेकिंग अभियान में 5800 रुपए की वसूली। पुलिस जिला में विभिन्न क्षेत्र में चलाए जा रहे मास्क चेकिंग अभियान और वाहन चेकिंग अभियान में कुल 5800 रुपए की वसूली की गई है। नवगछिया के SP स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि मास्क चेकिंग में कुल 4300 रुपए एवं वाहन चेकिंग में 1500 रुपए की वसूली की गई है। नवगछिया SP ने नवगछिया नगर वासियों से मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की है। नवगछिया अनुमंडल में स्वतंत्रता दिवस को लेकर की गई बैठक, सैनिटाइज व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच फहराया जाएगा तिरंगा।
नवगछियान मंडलीय कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में नवगछिया के बुद्धिजीवियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई। कोरोना काल को देखते हुए सरकारी निर्देशानुसार इस बार किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने की बात बैठक में सबको बताई गई। दूसरी तरफ सैनिटाइज व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच झंडोत्तोलन करने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्टेज, बैठने की कुर्सियां, वाहन व अन्य सामग्री को सैनिटाइज करने और समारोह में थर्मल इमेजिंग करने की जिम्मेदारी नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल को दी गई। साथ ही झंडोत्तोलन के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की व्यवस्था के लिए अलग अलग कर्मियों और पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। मौके पर नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न सरकारी संस्थान में होने वाले अलग अलग झंडोत्तोलन के लिए समय सारणी भी जग जाहिर किया गया। बैठक में नवगछिया अनुमंडल के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बुद्धिजीवियों की उपस्थिति देखी गई। नवगछिया में 21 लोग कोरोना से संक्रमित। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न स्थान एवं अनुमंडलीय अस्पताल में हुए कोरोना रैपिड टेस्ट में कुल 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एक अस्पताल कर्मी सहित तेतरी गांव के 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडल में कुल 104 लोगों की जांच की गई, जिसमें 67 लोगों की रिपोर्ट आ गई है। 36 लोगों की सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया है। इधर नवगछिया के कोविड केयर सेंटर से 3 पुलिसकर्मी को छुट्टी मिल गई है। अभिया बाजार में मिले 4 कोरोना संक्रमित। पीएससी गोपालपुर द्वारा अभिया बाजार में शिविर लगाकर 100 ग्रामीणों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने हेतु बड़ी मकनपुर गांव को स्थानीय प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। नारायणपुर के भमरपुर में 6 व गनौल में मिले 1 पॉजिटिव। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारापुरा पंचायत के भमरपुर गांव में पीएससी नारायणपुर की मेडिकल टीम ने रैपिड एंटीजन द्वारा 138 लोगों का कोरोना जांच किया। ऐसे की जानकारी देते हुए पीएससी प्रभारी ने बताया कि सैंपलिंग जांच में 138 में से कुल 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दूसरी ओर सिंहपुर पश्चिम पंचायत के गनौल गांव में रैपिड एंटीजन द्वारा 57 लोगों को कोरोना जांच का सैंपल लिया गया, जिसमें एक 36 वर्षीय गनौल का युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। सबों को होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई है। रंगरा में 5 लोग कोरोना संक्रमित। रंगरा पीएससी में हुए रैपिड टेस्ट में रंगरा के ही 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रंगरा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि संक्रमित लोगों से बॉन्ड भरवाने और उसे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया के सईदपुर में सील बेअसर, असामाजिक तत्वों ने बांस बल्ले को तोड़ा। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सईदपुर गांव में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण गुरुवार की दोपहर को 3 स्थानों पर प्रशासनिक निर्देश के बांस बल्ला लगाकर सील कर दिया गया था, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा बैरिकेडिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर गोपालपुर पुलिस ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। प्रशासनिक पदाधिकारी ने ग्रामीण को कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने में सहयोग की अपील की है। मुखिया अंजलि कुमारी ने पुलिस पदाधिकारी से असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण कर पुनः बैरिकेडिंग करने की मांग की है। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698923462333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए में ले निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228-9569-05, 8873-9736 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। नवगछिया अंचलाधिकारी का हुआ विदाई समारोह। नवगछिया के अंचलाधिकारी विद्यानंद राय का विदाई समारोह शुक्रवार को अंचल कार्यालय में किया गया, जिसमें प्रखंड प्रमुख सुमित्रा देवी, उप प्रमुख विजय सिंह, सुभाष राय, पंचायत समिति सदस्य तेतरी जगतपुर, मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी प्रतीप यादव सहित कई अंचल कार्यालय के कर्मी द्वारा विदाई समारोह मनाया गया। नवगछिया शोक सभा का आयोजन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा मिल्की में कॉमरेड दीप नारायण चौधरी का शोक सभा संपन्न हुआ। कॉमरेड दीप नारायण चौधरी
का दिनांक 25 जुलाई 2020 को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। मिल्की शाखा के सभी साथी एवं जिला कमेटी के सदस्य कॉमरेड रामदेव शाह की उपस्थिति में एक मिनट का मौन धारण किया। शोक सभा में कॉमरेड निरंजन शाह, कॉमरेड प्रकाश मंडल, कॉमरेड रामदेव सहित कई अन्य उपस्थित थे। ढोलबज्जा के कोरोना संक्रमित जगहों पर विनीत आनंद ने सैनिटाइज का कराया छिड़काव। ढोलबज्जा बाजार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाजसेवी विनीत आनंद ने संक्रमित घरों व उनके आसपास सैनिटाइज का छिड़काव कराया, साथ ही सभी को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक कर मास्क भी बांटे। वहीं दुकानदारों से अपील किया कि मास्क का उपयोग करें एवं अपने ग्राहकों को भी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकान आने के लिए कहें। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। दसवीं एवं बारहवीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीएमएलए निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228 95 69 05, 88 73 97 36 80 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। आई प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488856988 9234626233।